हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगुडेवे। आज है दोस्तों 5 मार्च 2023, और 5 मार्च 2023 को हम जो संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हमारे वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरि जो बालकृष्णन है इनको सम्मानित किया गया। जो कंप्यूटर वैज्ञानिक है हरि बालकृष्णन, इनको जो 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर जो बालकृष्णन है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर हैं। और उन्हें ये पुरस्कार है तो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित जो सिस्टम है उनमें उनकी जो मौलिक खोज है उनके समाज पर एक व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए इनको वो दिया गया है। अब हाल ही में जो अवार्ड प्रदान किए गए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि डॉक्टर पेगी मोहन ने जो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार वो जीता है। और भारत ने जो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। और कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन ने 2023 मार्कोनी पुरस्कार वो जीता है। और MRF के मेमन को मिला है ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और NTPC ने लगातार 6ठे वर्ष में ATD बेस्ट अवार्ड 2023 वो जीता है। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। और ग्रेमी अवार्ड 2023 है इसमें रिकी केज को 3री बार है वो सम्मान मिला है। और ऑस्कर 2023 समारोह में जो RRR है इसका नाटू नाटू गीत है वो प्रस्तुत किया गया और इसको अवार्ड वो दिया गया है। और अदार पुनावाला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और अपना सेन है इनको जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और जयपुर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर इन्होंने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन का स्थल का जो पुरस्कार है वो अपने नाम किया। और JSW के जो चेयरमैन है सज्जन जिंदल, इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस बैंक ने अपने सबसे बड़े सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से $1 अरब वो जुटाए हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, SBI। जो भारतीय स्टेट बैंक है इन्होंने जो सबसे बड़े सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से $1 अरब वो जुटाए हैं। और इसका इस्तेमाल वो ECG परियोजनाओं और सस्ती आवास योजनाओं के जो वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। और ये किसी जो वाणिज्य बैंक के द्वारा जुटाया गया एशिया जो प्रशांत क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा पर्यावरण संबंधी सामाजिक संबंधी ऋण है, जो वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक ऋण है वो माना जा रहा है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि SBI के अनुसार 5 साल के ऋण की लागत है वो 3 माह का जो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है और 130 आधार अंक है। और इसका जो बेस साइज है वो $50 करोड़ का था, जिसमें $50 करोड़ का जो ग्रीन शू ऑप्शन था। और इसमें $1 अरब की व्यवस्था है जो मैंडेटेड लीड अरेंजर एंड बुक रनर है इनके माध्यम से की गई है। और MUFG और ताइपेई जो फुबोन कमर्शियल बैंक है इन्होंने संयुक्त सामाजिक ऋण समन्वयक है। और ये बैंक का शुरुआती सामाजिक ऋण और पिछले 5 साल में सिंडिकेटेड लोन है। और इसमें जो ताइवान, जापान, चीन, पश्चिम एशिया की जो जोरदार भागीदारी है वो इसमें रही है, जिससे जो $50 करोड़ के ग्रीन शू ऑप्शन सहित पूरा जो सब्सक्रिप्शन है वो सुनिश्चित हुआ है। और बैंक ने जो पर्यावरण संबंधी सामाजिक प्रशासनिक वित्त पोषण का ढांचा वो तैयार किया है, जिसके तहत वह हरित सामाजिक सतर्कता बॉन्ड और ऋणों के मसलों को वो देखता है। और धन के आवंटन को लेकर जो बैंक वो सालाना जो स्टेटमेंट है वो तैयार करेगा। और बैंक ने अपने जो ESG पोषण ढांचे की जो समीक्षा के लिए ESG जो रिसर्च रेटिंग और डेटा फॉर्म है इसमें सस्टेन एलिटिक्स को लगाया गया है। अब SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इसकी स्थापना है ये कलकत्ता में हुई थी। SBI की स्थापना वो कलकत्ता में हुई थी। SBI के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी दिल्ली में। और इसकी टैगलाइन है SBI की शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो चुना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये जो डी गुकेस है इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पे चुना गया है। जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेस, इनको जो महाबलीपुरम में 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है इसमें 9/11 के रिकॉर्ड
रिकॉर्ड है वो तोड़ा है और इसके साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडल है वो ऐसे शतरंज महासंघ है इनके द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और बुकेस है वो 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय बने और 2700 किसी ऊपर रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर वो भी डी गुकेस वो बने हैं। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को यहाँ चल रहे जो SCF वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान मोस्ट एक्टिव फेडरेशन पुरस्कार मिला है और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन इनको पिछले साल अगस्त में फिडे शतरंज ओलंपियाड की जो सफल मेजबानी है इसकी मेजबानी में उनके प्रयास के लिए मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कोनेरू हम्पी डी हरिका आर वैशाली तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी की जो भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक जीतने के लिए वर्ष की जो सर्वश्रेष्ठ महिला टीम वो चुना गया है। और ग्रैंड मास्टर RB रमेश को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच और ग्रैंड मास्टर अभिजीत जो कुंटे हैं इनको महिला कोच ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब एशियाई शतरंज महासंघ है इसका मुख्यालय LN संयुक्त अरब अमीरात में और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं सुल्तान बिन खलीफा अल नाहियान वो यहाँ के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य के जेसविन एल्ड्री ने दूसरी बार जो AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की जो लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड वो तोड़ दिया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ये तमिलनाडु राज्य में तोड़ा गया है। तो तमिलनाडु के जेसविन एल्ड्री ने इन्होंने दूसरी बार जो AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता है इसमें पुरुषों की जो लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। और 21 वर्षीय हैं जो जेसविन एल्ड्री इन्होंने अप्रैल 2022 में जो कोझिकोड में फेडरेशन कप है इसमें 8.42 मीटर की छलांग लगाकर जो भारतीय टीम के साथी हैं M श्रीशंकर इनके द्वारा जो 8.36 मीटर के पिछले निशाने को भी इन्होंने तोड़ा है। अब इस जो प्रतियोगिता से संबंधित इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि एल्ड्रिन ने जो पिछले साल कोझिकोड में 8.37 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता था लेकिन उनकी कूद को हवा से मदद मिली इसलिए भारतीय जो एथलेटिक्स महासंघ है इन्होंने इसे जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो नहीं माना। और AFI है तो AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में 8.36 मीटर की कूद के साथ जो रजत पदक जीतने वाले हैं M श्रीशंकर इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड वो बनाया था। और एल्ड्रिन के जो प्रभुत्व का एक उपाय है वो इस तथ्य से प्रशंसा की जा सकती है कि वह 8 मीटर के निशान को पार करने वाला एकमात्र प्रतियोगी था। और जेसविन एल्ड्रिन ने 8.5 मीटर के साथ शुरुआत की थी और इससे बाद में 8.26 मीटर के साथ और 8.42 मीटर की शक्ति और गति प्राप्त की। और केरल के जो मोहम्मद अनीस ईआईया है इन्होंने 7.85 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर वो रहे थे। और गायत्री शिवकुमार ने 12.98 मीटर से अधिक की छलांग लगाकर महिलाओं की जो त्रिकूट मीट का रिकॉर्ड वो बनाया था। और पिछले साल जो तिरुवनंतपुरम में पहले चरण में अलीना जोस के द्वारा बनाए गए 12.68 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। और उसने ये 6 प्रयासों में केवल 2 वैध छलांग लगाई है लेकिन दोनों गोल्ड मेडल है वो इसके लिए पर्याप्त है। और तमिलनाडु की जो आर पुनीता है इन्होंने महाराष्ट्र की जो सर्वरी पारुलेकर को 12.39 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक वो दिलाया था। अब तमिलनाडु राज्य तो तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं वो M.K. स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38 और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है दोस्तों चेन्नई और तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन है वो किस देश की एक संयुक्त पहल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये अमेरिका की पहल है। तो जलवायु के लिए जो कृषि नवाचार मिशन है वो अमेरिका की एक संयुक्त पहल है और इसकी शुरुआत है वो UAE और अमेरिका ने की थी। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि भूख और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना और ये अभिनव है। और जलवायु स्मार्ट कृषि प्रणालियों में निवेश के लिए जो भी देश है और उनको अन्य जो निजी संगठन को आमंत्रित करके हासिल हो किया जाएगा। और इस मिशन का उद्देश्य ये है कि जो मिशन है वो सामूहिक प्रतिबद्धता के लाभों को प्रदर्शित करेगा। और इसका उद्देश्य कि जो स्मार्ट कृषि नवीन कृषि और प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रणाली में जो अपना निवेश है उसको बढ़ाना है जिसके बारे में अपन जो नीचे पॉइंट देंगे उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ये मिशन है वो सामूहिक प्रतिबद्धता के लाभों को प्रदर्शित करेगा और इसका उद्देश्य है कि जो स्मार्ट कृषि नवीन कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रणाली में निवेश बढ़ाना है और ज्ञान विशेषज्ञता और तकनीकी चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए
एक रूपरेखा वो तैयार की जाएगी और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो निवेश को बढ़ाकर प्राप्त किया जाएगा और जानकारी साझा करने और जलवायु जो संबंधी कार्रवाई करने के लिए सरकार और वैज्ञानिक और अन्य हितधारक उनके लिए एक मंच और बुनियादी ढांचा वो तैयार करना है। और ये मिशन है, इसमें तीन प्रमुख हितधारक हैं जिसमें सरकारी भागीदार, नवाचार स्प्रिंट भागीदार और ज्ञान भागीदार। अब जो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं एंटोनियो गुटेरेस और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार वो ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये राजेश मल्होत्रा ने पदभार वो ग्रहण किया है। जो भारतीय सूचना सेवा है उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं राजेश मल्होत्रा। इन्होंने पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी इसके प्रधान महानिदेशक जो डीजी का पद होता है वो ग्रहण किया है। और भारत सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता भी बने हैं और मल्होत्रा है वो सन 1989 बैच के अधिकारी भी हैं जिन्होंने सत्येंद्र जो प्रकाश है उनकी जगह ली है। अब इनसे संबंधित जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्ति कहाँ हुई है। तो राजीव सिंह रघुवंशी इनको भारत का अगला जो डीजीसीआई बनाने की सिफारिश की गई है और वकील विक्टोरिया गोरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल जो रेबेलो है इनको एमडी और सीईओ है वो नियुक्त किया है और शमिका रवि को ESCPM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और आरबीआई ने जो जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी है और मॉर्गन स्टेनली इन्होंने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड वो नामित किया है और सिद्धार्थ शर्मा वो टाटा ट्रस्ट के सीईओ बनाए गए हैं। प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान जो हरमनप्रीत कौर है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नामित किया है। और नरेश लालवानी है तो नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है। और IIM अहमदाबाद ने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नामित किया और विक्रम देवदत्त वो अब DGCA के अगले महानिदेशक होंगे और माधवेंद्र सिंह गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ हैं वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक्सिस बैंक ने किस बैंक के जो भारतीय उपभोक्ता कारोबार है उसका अधिग्रहण वो किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये सिटी बैंक का। जो भारत में सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस अब एक्सिस बैंक है वो इसमें शामिल हुआ है और इससे जुड़े सभी ग्राहक वो अब एक्सिस बैंक की जो सुविधाओं का इस्तेमाल है वो करेंगे और इसी के साथ जो सिटी है उसके कंज्यूमर बिजनेस को स्थानांतरित या ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया उसका अंतिम चरण है ये भी हाल ही में पूरा हुआ है और जो पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था। और भारत में जो सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस है इसमें क्रेडिट कार्ड, गृह और जो पर्सनल लोन होते हैं, खुदरा बैंकिंग और बीमा वितरण वो प्रक्रिया वो इसमें शामिल है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु उन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि सिटी बैंक इंडिया वो 2.4 मिलियन ग्राहकों का अधिग्रहण प्रमुख विकास के जो क्षेत्रों में एक्सिस बैंक की जो उपस्थिति को बढ़ाता है जो मौजूदा एक्सिस फ्रेंचाइजी का एक पूर्वक है और अधिग्रहण के बाद जो एक्सिस बैंक है वो अत्यधिक समृद्ध संपत्ति वाले ग्राहकों तक पहुंच प्राप्त करता है जिसके परिणाम स्वरूप जो बरगड़ी निजी बैंकिंग पोर्टफोलियो उसके कुल जो AUM में 33% की वृद्धि होती है जिसको मौजूदा जो फ्रेंचाइजी है उनको और भी मजबूत करता है। अब धन प्रबंधन और निजी बैंकिंग में जो सिटी उत्पादकों में 947 अरब रुपए के जो अतिरिक्त AUM है उसके साथ बैंक के धन प्रबंधन पोर्टफोलियो का जो मौजूदा AUM है वो 3,785 अरब रुपए है जो इस योग में तीसरा सबसे बड़ा इसको बनाता है। सिटी बैंक है तो सिटी बैंक की स्थापना है ये 16 जून 1812 को इसकी स्थापना हुई थी और यह कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर और प्रेजेंट टाइम इसके सिटी बैंक के अध्यक्ष हैं बारबरा देरो फोरिडेसो ए हैं वो इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिक्का वेंडिंग मशीनों पर किस बैंक ने नई पायलट परियोजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये RBI है भारतीय रिजर्व बैंक इनके द्वारा की गई। जो RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने मौद्रिक नीति समिति है इसके दौरान इसको संबोधित भी किया है और इसके दौरान जो शीर्ष बैंकिंग नियामक और बैंकों के सहयोग से जो QR कोड आधारित सिक्का वेडिंग मशीन है उसके संचालन का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना शुरू की है। अब ये जो वेडिंग मशीन है वो बैंक है वो नोटों को भौतिक रूप से निविदा देने के बजाय जो UPI है उसके माध्यम से ग्राहक के खाते में डेबिट की गई जो उचित राशि उसके साथ वो सिक्के वो वितरित करेगी
और ग्राहक है वो वांछित मात्रा या मूल्य वर्ग में सिक्कों को वापस लेने में भी सक्षम होंगे। और यहाँ पर जो केंद्रीय अवधारणा सिक्कों के को अधिक सुलभ भी वो बनाती है। और आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर वो है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई ये भारतीय इकोनॉमी को भी नियंत्रित वो करता है। और इससे जो सिक्का वेडिंग मशीन से संबंधित इम्पोर्टेंट बिन दोनों पर एक नज़र डाल लेते हैं कि वेडिंग जो मशीनों वो बैंक जो वेडिंग मशीन बैंक है वो नोटों की भौतिक निविदा के बजाय तो यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इसका उपयोग करके ग्राहक के खाते से जो अपेक्षित राशि के साथ सिक्के वो वितरित करेगी। और ग्राहकों को आवश्यक मात्रा या मूल्य वर्ग में जो सिक्कों को वापस लेने का विकल्प है वो भी दिया जाएगा। और यहाँ पे केंद्रीय विचार सिक्कों तक पहुँच को आसान वो बनाना है। और आसानी और पहुंच पर एक विशेष ध्यान देने के साथ में मशीनों को जो रेलवे स्टेशन शॉपिंग मॉल और मार्केट प्लेस जैसे जो सार्वजनिक स्थान है उन पर स्थापित करने का इरादा भी यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि धरोई आर्द्र भूमि है जहाँ एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया और ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। तो 2 दिन का जो पक्षी सर्वेक्षण है ये धरोई 2023 से ये इसका जो दूसरा संस्करण है गुजरात के जो धरोई आर्द्र भूमि में आयोजित हो किया गया है। और ये आर्द्र भूमि उत्तरी गुजरात के लगभग 107 किलोमीटर के वर्ग में फैली हुई है। और प्रमुख सिंचाई योजना के रूप में ये सन 1978 में साबरमती और हरनोई नदियों पर बांध बनाकर धरोई जलाशय वो बनाया गया। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु उन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि 2004 में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा देश में अपने तरह के जो 21 प्राथमिकता वाले वेटलैंड में से एक के रूप में नामित किए जाने के बावजूद भी बहुत से जो बर्ड वॉचर्स हैं वो इस वेटलैंड में वो नहीं पहुंचे। और प्रमुख जो सिंचाई योजना के रूप में सन 1978 में साबरमती और हरनोई नदियों पर बांध बनाकर धरोई जलाशय बनाया गया था। और बांध ने 107 वर्ग किलोमीटर में फैली जो एक आर्द्र भूमि का निर्माण किया। और इसने जो 76 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ भूमि के साथ साथ 28 गांवों को पूरी तरीके से और 19 को आंशिक रूप से जलमग्न कर दिया है। और पहला जो धारोई पक्षी सर्वेक्षण है वह 2022 में हुआ था। और वह धारोई में जल पक्षियों की जो विविधता और आबादी की जो बहुतायात है उसको मैप करने और रिकॉर्ड करने के लिए अपनी तरह का एक पहला औपचारिक अभ्यास था। और तब गुजरात में पाए गए जो 616 में से 193 प्रजातियों को दर्ज किया गया था। अब गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये पाकिस्तान से लगती है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। और अरब सागर वो इसके पश्चिम दक्षिण की सीमा भी बनाता है। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का गठन है ये 1 मई 1960 को इस गुजरात राज्य का गठन हुआ था। और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर है एक्सरसाइज का आयोजन वो किस देश में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया जाएगा। जो भारत है इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है इसमें भाग लेने के लिए जो मिराज 2000 लड़ाकू विमान और अन्य विमानों को भेजा है। और ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के साथ में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर की जो वायुसेना वो भी भाग वो ले रही है। और इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के 5 मिराज 2000 फाइटर प्लेन और C-17 क्लो मास्टर और एक जो IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर है वो भी विमान वो इसमें भाग ले रहे हैं। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बिन दोनों पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि अभ्यास है वह कोबरा युद्ध द रॉयल एयरफोर्स है उनके द्वारा सबसे बड़े वार्षिक अभ्यास उनमें से एक है। और भारत वो पहली बार अभ्यास में भाग लेगा। और भाग लेने वाले अन्य देश हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और बुल्गारिया। और ये अभ्यास और भाग लेने वाली वायुसेना के बीच में परिचालन क्षमता प्रदान करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा भी करेगा ताकि उनकी जो युद्ध क्षमता है उनको और भी बढ़ाया जा सके और दोस्ती के जो बंधन को मजबूत हो किया जा सके। और इस अभ्यास का उद्देश्य है कि भाग लेने वाली जो वायुसेना के बीच में परिचालन जोखिम प्रदान करना और सर्वोत्तम तो भरता है उनको साझा करना है जिसमें युद्ध क्षमता में वृद्धि और दोस्ती के बंधन को मजबूत करना है। और ये जो एल ये तेजस के लिए अपनी जो गतिशीलता और परिचालन क्षमता इसका प्रदर्शन करने के लिए एक मंच होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि 2022 में किस देश की जो प्रजनन दर है वो दुनिया में सबसे कम है, 0.78 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये दक्षिण कोरिया में है। तो दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर है वो दुनिया में सबसे कम है, और प्रति दक्षिण कोरिया महिलाएं हैं जो अपेक्षित शिशुओं की औसत संख्या है जो 2021 में 0.81 से घटकर 2022 में 0.78 वो हो गई है। और देश को जो स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए इसकी जो प्रजनन दर है वो दो कितनी आवश्यक है, तो ये प्रजनन दर बनाए रखने के लिए 2.1 प्रजनन दर आवश्यक है। और इसमें मौतों की संख्या वो 2020 है, इसके बाद जन्मों को बाद से जो जन्म हुए हैं उनको पार करके की गई। और कम प्रजनन दर है वो दक्षिण कोरिया में प्रमुख आर्थिक चिंताओं का कारण भी बन रही है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु दोनों पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत में कुछ महीनों पहले ही जारी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है के पांचवें दौरे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल प्रजनन दर है वो 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। और ये जनसंख्या नियंत्रण उपायों की अहम प्रगति को दर्शाता है, जो कुल प्रजनन दर है जिसे प्रति महिला बच्चों की उस संख्या के रूप में मापा जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो NFHS है 4 और 5 के बीच में ये 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया पूर्व एशिया में स्थित एक राष्ट्र है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य देश हैं जैसे चीन, जापान, उत्तर कोरिया है। और देश की जो राजधानी है वो सियोल, ये दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा एक महानगर है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। कोरिया के प्रधानमंत्री हैं होन डक सू। कोरिया के राष्ट्रपति हैं यू सोक यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि लक्ष्मी भंडार है ये किस राज्य के द्वारा लागू की जाने वाली एक योजना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इन्होंने 2023-24 के लिए अपने राज्य बजट की घोषणा की है, और इसमें कई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया है। और 2023-24 के इस बजट में इन्होंने लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे को भी इसमें थोड़ा किया गया है। अब से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में कौन सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। और पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत जो 4 तीर्थ स्थल है उनका चयन किया है। और नमामि गंगे मिशन सेकंड है, इनको 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के जो बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी वो दी गई है। और केंद्र सरकार ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर एक समिति का गठन किया है। और केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि वो मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। और ईपीएफओ ने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रमों को शुरू किया है। और राजस्थान में अंधता नियंत्रण पॉलिसी वो लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और पीयूष गोयल वो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल वो लॉन्च करेंगे। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज इसको लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल भारत के पूरी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में है जैसे नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, और यहाँ के राज्य हैं पड़ोस में असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और राज्यपाल वो हैं ला गणेशन। और पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे स्थापना हुई थी। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि गुलाबचंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये असम के राज्यपाल के रूप में लिए। जो गुलाबचंद कटारिया ने गुवाहाटी में, जो असम का एक शहर है, इसके जो 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया, और उन्हें असम के जो चीफ जस्टिस संदीप मेहता ने यह शपथ वो दिलाई है। अब हाल ही में कौन से राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ की गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जो केवल त्रिविक्रम प्रनाई के, इनको अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल वो नियुक्त किया गया है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और गुलाबचंद कटारिया को असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और शिव प्रसाद शुक्ला को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और न्यायमूर्ति है एस अब्दुल नजीर, इनको आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, इनको अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।
और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, इनको मणिपुर का राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है। और मणिपुर के जो राज्यपाल है ला गणेशन, इनको जो नागालैंड का राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है। और बिहार के जो राज्यपाल है फागू चौहान, इनको अब मेघालय का राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर को बिहार का राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया। असम राज्य, तो असम राज्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और असम में जो असम राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और असम के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा सरमा। और असम के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। और पहले के जो राज्यपाल थे वो थे जगदीश मुखी। असम में टोटल जिले हैं 35 और असम का जो राजधानी वह दिसपुर है। और असम राज्य का गठन है ये 26 जनवरी 1950 को असम राज्य का गठन वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत है ये घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 75% निर्धारित किया गया है। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने जो बजट की घोषणा की है जो 2023-24 का बजट है, इसमें घरेलू उद्योग के लिए जो रक्षा पूंजी खरीद का बजट है उसका रिकॉर्ड है 75% निर्धारित किया गया। और 2023-24 में जो रक्षा मंत्रालय को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट है वो आवंटित किया गया, जो कुल बजट का ये लगभग 13.18% है। और आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित जो पूंजी परिव्यय है उसको बढ़ाकर अब 1.63 लाख करोड़ रुपये वो कर दिया गया है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर ये 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी इकोनॉमी है उनमें सबसे अधिक है। और 14 जो क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। और PLI योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के जो रुपए की जो अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है उसमें रखी गई है। और अगले 25 साल में सूखे अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताएं, उनमें विकास पर जोर दिया गया जिसमें PM गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन, निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, और निवेश को जो वित्तीय मदद वो प्रदान करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत के किस राज्य में जो फ्रोजन लेक हाफ मैराथन है इसका आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसमें एक नया इतिहास रचा गया है जिसमें लद्दाख ने 13,862 फीट की ऊंची जो पेंगोंग झील है इसमें शून्य से भी कम तापमान में अपनी पहली जो 21 किलोमीटर की दौड़ का सफलतापूर्ण आयोजन करके इतिहास और रचा गया है। और इसमें गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील है उस पर हुई जो हाफ मैराथन उसके रूप में दर्ज किया गया। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि पेंगोंग जो झील है वो हाफ मैराथन का आयोजन है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन लद्दाख, लद्दाख पर्यटन विभाग और लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद आदि के द्वारा किया गया है। और इस मैराथन के लिए धावकों के चयन का खास ध्यान रखा गया था और इसके लिए ऊंचाई वाले इलाकों में लंबी दौड़ का अनुभव करने और रखने वाले जो धावक को इस रेस में खास तौर पर शामिल हो किया गया था। और इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश के भी धावक हैं इन्होंने हिस्सा लिया था। मैराथन के समापन के बाद आयोजक उनको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। और इस तरह के आयोजनों में कार्बन न्यूट्रल लद्दाख और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा वो मिलेगा। चलो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।